माँ सरस्वती का नाम लेकर दिन की शुरुआत अराउंड 6:15 बजे के अराउंड हो गई थी। उठे, नहाए धोए, रेडी शेडी हुए, परमात्मा जी को प्रणाम किया, थैंक यू किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, सूर्य देवता को नमस्कार किया और उसके बाद में गरम गरम चाय के साथ हम बैठ गए एडिटोरियल पढ़ने। सबसे पहले हमने एडिटोरियल पढ़ा, द हिंदू एडिटोरियल मैं पढ़ती हूँ और वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर भी करती हूँ, 5 से 6 बजे के बीच में आपको मिल जाता है, ओके आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर एडिटोरियल की क्लास लगाई और उसके बाद में कुछ वोकैब होती हैं, जैसे आपको कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ लाइनिंग नहीं समझ में आती है, उसके बाद में कुछ ग्रामर भी वर्ड उस पर वर्क हो जाता है, क्लास से ये हेल्प मिलती है आपको, तो इसलिए मैं क्लास भी कंटिन्यू रख रही हूँ। उसके बाद में एक इंग्लिश का क्विज लगाया था मैंने, और जो कि मैंने लगाया था स्मार्ट कीड़ा से, और स्मार्ट कीड़ा से ही मैं सारे क्विज लगा रही हूँ, ओके जितने भी सेक्शनल लगा रही हूँ, टॉपिक लगा रही हूँ, और मॉक ड्रिल्स करंट अफेयर की मैंने 3 दिन की रिवाइज की थी वो भी मैंने स्मार्ट कीड़ा से ही की थी। जैसे एक न्यूज़ को मैंने पढ़ लिया, उसके बाद में क्या क्या पॉइंट्स मुझे याद है उनको बस टाइप लिख के देखती हूँ, मतलब टाइप नहीं नोटबुक पर लिख के देखती हूँ, तो इसमें अराउंड मुझे ना 3 PDFs को करने में, क्योंकि मैं मेरा बैकलॉग चल रहा है ना, तो मेरे को कंटिन्यू करना है कि मुझे ऐसा है कि कैसे भी कैसे जून मंथ में मैं जून तक का सारा अपना करंट अफेयर निपटा लूँ, ओके फिर मैं सिर्फ रिवीजन पे बैठूँ, क्योंकि अगस्त में प्री हो जाएगा, अप्रैल के बाद तो सिर्फ आपको अपने को 29 सितंबर के मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही करना है, तो वो सिर्फ उस टाइम पे मुझे रिवीजन करना पड़े इन एटलीस्ट अप्रैल मई और जून का, और अप्रैल मंथ से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ओके। उसके बाद में मैंने कंप्यूटर को रिवाइज किया, दोनों क्लासेस, सॉफ्टवेयर की 2 क्लासेस थी, दोनों रिवाइज कर ली, वो मैं अरोड़ा एजुकेटर से कर रही हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है तो मैं आज नाम पूरे सब सारे सब्जेक्ट्स का ले रही हूँ कि कौन कौन सी जगह से मैं कर रही हूँ, ओके। उसके बाद में मैंने मेंस का मॉक लगाया, सबमिट किया और उसको किया। अब कल कुछ ऐसा था कि कल के वीडियो में कमेंट थे कि उसमें बैठे रहो आप 3 घंटे की है वो सीटिंग, देखो सारा दिन जब 8-10 घंटे बैठ रहे हैं ना तो सीटिंग ऑटोमेटिकली बनी हुई है, मुझे सीटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में भी तो वैसे भी मैं बैठी ही रहूँगी, मुझे दिक्कत आती है कि मेरे बहुत से नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से ना वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से मैं क्वेश्चन नहीं बना पाती हूँ, मुझसे हो रहा होता है लेकिन एक छोटे पॉइंट पे अटक जाती हूँ, तो बस इस बार का टारगेट ये है कि एक छोटे से छोटे पॉइंट की मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर हम जिम चले गए और पूरा दिन में एक ऐसा रहता है जिम का आपका रूटीन कि आपको नेक्स्ट डे के लिए ना ये ज़्यादा अच्छे से मतलब हेल्दी वे में उठने में हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट दैट।